हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। और तो इस वीडियो में आज हम लोग एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एपी मींस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स में। तो इसके लिए इस चैप्टर के में इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर अभी आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने एपी स्टार्ट किया हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेंगे, जिससे आपको फॉर्मूले भी समझ में आ जाए और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द फिफ्थ टर्म 11 एंड सेवंथ टर्म 7, एक कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है जिसका पांचवा पद 11 है, उसका फिफ्थ टर्म कितना है 11 11 है एंड सेवंथ टर्म 7 है और उसका सातवां पद 7 है, तो उस सीरीज का 16वां पद क्या होगा। यानी कि कोई एक सीरीज है जिसमें उसका जो पांचवा पद दिया गया है वो 11 दिया गया है, उसका सातवां पद 7 दिया गया है, तो 16वां पद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंट डी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि मानेंगे, माना लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज ए, यानी इस श्रेणी का पहला पद ए है एंड कॉमन डिफरेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंट को, एंड कॉमन डिफरेंट डी है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, श्रेणी का प्रथम पद और इसका सर्वांतर डी है, यानी कॉमन डिफरेंट डी है। सर्वांतर डी है इसका, ठीक है। तो जैसे कंडीशन दिया गया वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया गया है फिफ्थ टर्म 11 है, यानी T5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। और मैंने आपको Tn का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ठीक है। Tn का मतलब होता है nth टर्म, nवां पद। T5 का मतलब होता है फिफ्थ टर्म जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, यानी पांचवां पद। तो वही फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? जब Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है तो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1, एन के स्थान पे क्या लिखा है? 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11। a प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू डी इज इक्वल टू 11। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, एक समीकरण आपका बन गया, ठीक है। यहां पर आपको एक इक्वेशन बन गया। इसी प्रकार जो सेकेंड कंडीशन दिया गया है ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन भी क्वेश्चन में दिया गया है, उस कंडीशन को ले लेंगे। सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि सेवंथ टर्म 7 है, सेवेंथ टर्म कितना है?
सात है। तो ये आपका हो जाएगा टी सेवन इज इक्वल टू सेवन। तो यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है सेवन, सेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सेवन। ए प्लस सात में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स डी इज इक्वल टू सेवन। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, दो इक्वेशन आपके पास मिल गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें ए और डी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ए और डी का वैल्यू ही निकालना चाहिए, जब ये दोनों वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा उसे हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू इलेवन, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू सेवन। इन दोनों इक्वेशन से हमें ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई। एक बार फिर से समझ लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया गया है फिफ्थ टर्म 11 है, तो फिफ्थ टर्म को T5 बोलते हैं, तो T5 इज इक्वल टू 11 हो गया। और हमें फॉर्मूला मालूम है nth टर्म का, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन, एन के स्थान पे क्या है 5 है, 5 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 11, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4d आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सेवंथ टर्म 7 दिया गया है, T7 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ भी Tn का फॉर्मूला हम लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन, एन का वैल्यू है 7, 7 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7, फिर उसके बाद 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। ये दो इक्वेशन मिल गया, इन दोनों इक्वेशन से हमें ए और डी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका कई तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का। पहला तरीका तो ये है, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो ए और डी का वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकता है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आप भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपका ए प्लस फोर डी इज इक्वल टू 11, एंड सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो हमें काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। एक चीज आप और ध्यान देंगे यहां पर, हमेशा यहां पर ए और यहां पर डी है, यहां भी ए और यहां पर डी है, तो दोनों इक्वेशन में ए चाहे डी दो में से किसी एक का कोफिशियंट इक्वल होना चाहिए, तो उससे ये फायदा है कि जब माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो माइनस करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, केवल डी बचेगा और डी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। सपोज दैट यहाँ पर ए है, यहाँ पर 2a लिखा होता तो हम क्या काम करते, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, हेलो तो देखिए ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे घटाएंगे तो ये आपका a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 6d आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 7 है तो माइनस में नहीं, जब उसे हम घटाएंगे तो नीचे इस इक्वेशन का जो भी साइन होगा जो भी चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ए से ए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी हम कह सकते हैं ए से ए कैंसिल हो गया आपका। 4d में से 6d घटाएंगे तो माइनस 2d आएगा, माइनस में क्यों आएगा क्योंकि ये डिजिट ज़्यादा है, जो संख्या ज़्यादा होती है उसी का साइन हम लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिए 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि जब भी दो संख्याएं एक प्लस में और एक माइनस में तो हमेशा घटाई जाती है, चाहे पहले वाला प्लस दूसरा वाला माइनस हो या पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस में हो, उसको हमेशा घटाते हैं हमेशा माइनस करते हैं। बस ये ध्यान देना कि जो संख्या ज़्यादा होगा उसका जो भी साइन जो भी चिन्ह होगा वही आप उसमें लिखेंगे।
तो यहाँ से देखिए दो से फोर कैंसिल करेंगे, दो दूना चार, डी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस दो, तो कॉमन डिफरेंट कितना आ गया आपका माइनस दो। अब इस डी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में रखिए, दो में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो यहां से आपका जो है वैल्यू ए का मिल जाएगा। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फोर इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस टू है, इज इक्वल टू इलेवन। ठीक है, ए चार का माइनस दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा, इज इक्वल टू इलेवन। ए इज इक्वल टू इलेवन, माइनस एट इधर ले जाएंगे तो प्लस एट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्यारह, और आठ कितना हो जाएगा उन्नीस, यानी ए और डी का वैल्यू हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 16 टर्म निकालिए, 16वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा, हमें फॉर्मूला मालूम है ही, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, क्योंकि हमें टी 16 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 16वां पद निकालना है। ए ए का वैल्यू है 19 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2, इसे सॉल्व कर लेंगे 19, 16 में से एक घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 30, 19 में से 30 घटाएंगे तो माइनस 11, दिस इज आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे भी आपको, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, मान लीजिए थर्ड टर्म आपको दे दिया जाए माइनस 40 एंड 13th टर्म दे दिया जाए 0, तो फाइंड आउट दे 20वां पद ज्ञात कीजिए एंड सीरीज भी ज्ञात कीजिए, दो चीज मैंने यहां पे आपको से पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं, यदि तीसरा पद माइनस 40 है और 13वां पद 0 है तो उसका 20वां पद ज्ञात कीजिए और सीरीज ज्ञात कीजिए, दो चीज आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, इसमें मैंने एक चीज और ऐड कर दिया है, सीरीज पूछ लिया है। ठीक है, तो माना फर्स्ट टर्म सीरीज का ए है एंड कॉमन डिफरेंट डी है, उतना तो आप उसको लेके ही चलेंगे, ये उसी टाइप का दो क्वेश्चन में इसलिए लगा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग है, अगर एपी के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लेंगे तो एपी में बहुत सारे क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर रहेगा, तो आप अच्छे से लगा लेंगे, एपी के बाद जीपी है और फिर एचपी है, तो आगे प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, इसलिए हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन T3 इज इक्वल टू माइनस 40, ये क्वेश्चन में दिया गया है, T3 का मतलब होता है थर्ड टर्म यानी तीसरा पद, फॉर्मूला वही है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन, एन का वैल्यू 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 40, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू माइनस 40, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दस सेकेंड कंडीशन T13 इज इक्वल टू 0, यानी 13वां पद कितना है 0, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन, एन का वैल्यू 13 दिया गया है, माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 13 में से एक माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर
सेकेंड हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए या दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व कीजिए और एक और डी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इन्हीं दोनों इक्वेशन से। कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 40, ए प्लस 12d इज इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। 2d में से 12d घटाएंगे तो माइनस 10d आएगा और माइनस 40 में से 0 घटाएंगे तो माइनस 40 ही रहेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, d का वैल्यू कितना आ गया, 4। इस d का वैल्यू 4 जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे जिससे a का वैल्यू मिल जाए। वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पे रखिए, a प्लस 2d, d का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू माइनस 40, ए प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 40, ए इज इक्वल टू माइनस 40, 8 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 48। अब यहां पे हमें क्या पूछा गया है, 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो t20 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है माइनस 48, प्लस एन, एन का वैल्यू 20 और d का वैल्यू कितना दिया गया है माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस 20 में से एक घटाएंगे तो 19 बचेगा, 19 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 76, ठीक है। अब देखिए एक माइनस एक प्लस तो हमेशा घटेगा, वो 76 में से 48 माइनस कर देंगे 28 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 20वां पद ज्ञात कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछा गया है, सीरीज ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है सीरीज, तो सीरीज कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सीरीज का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है आपको पहले से ही, जब भी क्वेश्चन में सीरीज पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है a a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सीरीज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप a और d का वैल्यू रख लेंगे तो यहां से आपको सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू कितना है माइनस 48, माइनस 48 प्लस d का वैल्यू 4, माइनस 48 प्लस 4 इंटू सॉरी 2 इंटू 4, माइनस 48 प्लस 3 इंटू 4, ये सीरीज हो गया आपका माइनस 48, माइनस 48 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 44 आएगा, 8 माइनस करेंगे तो माइनस 40 आएगा, 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। यानी कि 12 माइनस करेंगे 48 में से तो कितना आ जाएगा, 48 में से 10, 38 तो 36, दिस इज आंसर। बात समझ में आई आपको, तो आज हम लोगों ने दो छोटे छोटे क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ये क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए और भी क्वेश्चन लगाते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था और मैं अब आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 8। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस सीरीज का सेवंथ और टेंथ टर्म ज्ञात कीजिए जिसका एंथ टर्म 2n है। यानी सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना है आपको और टेंथ टर्म निकालना है। यानी उस सीरीज का सातवां और दसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद 2n दिया गया हो, इफ tn इज इक्वल टू 2n। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उस सीरीज का सातवां पद ज्ञात कीजिए और दसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद 2n दिया गया है। यानी कि आपको सेवंथ एंड टेंथ टर्म फाइंड करना है जिसका nth टर्म 2n दिया गया है। इसको निकालने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। अगर यहां पर n के स्थान पे 7 लिख दिया जाए, यहां भी और यहां भी, तो क्या हो जाएगा, t7 इज इक्वल टू 40। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। t7 का मतलब क्या होता है, सातवां पद। यानी कि यहाँ पर n का वैल्यू मैंने अपने से जो है कितना रख दिया, 7। क्यों रख दिया, जब इस n के स्थान पे 7 रखेंगे तो ये t7 हो जाएगा और t7 का ही तो वैल्यू हमें निकालना है। इसी प्रकार n के स्थान पे क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, t10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10, t10 इज इक्वल टू 20। दसवां पद क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी जैसा और दिया गया है, उस सीरीज का फर्स्ट और एथ टर्म ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। t8 फाइंड आउट करना है आपको और फर्स्ट टर्म ज्ञात करना है। फर्स्ट टर्म को बोलते हैं क्या, T1 को ही A बोलते हैं। T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, A मानते हैं। जिसका n प्लस वनवा पद दिया गया है, Tn+1 दिया गया है, कितना, 7n-5। ये इक्वेशन दिया गया है। अब आपको देखिए इसी जैसा क्वेश्चन ये है, यहां पर Tn का वैल्यू दिया गया था और यहां पर Tn+1 दिया गया है। अब यहाँ पर n का ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि t1 का वैल्यू मिल जाए और t8 का वैल्यू मिल जाए, तो हमें अपने से सोचना होगा यहाँ पर। हाँ, तो हमें क्या करना है, अगर t1 का वैल्यू निकालना है तो इस इक्वेशन में आपको n का वैल्यू रखना होगा 0। क्या रखना होगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Tn का वैल्यू हो जाएगा 0+1, यहाँ भी 0-5, t1 = 0-5, t1 = -5। तो फर्स्ट टर्म में कितना हो गया आपका, -5। इसी प्रकार जब t8 का वैल्यू निकालना है तो n का वैल्यू क्या रखना होगा, 7। 8 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 × 9 हो जाएगा, 9th टर्म में निकल जाएगा, तो n का वैल्यू क्या रखेंगे, 7। तो t7+1 = 7×7-5, तो t7+1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 49 में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 44। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें बस आपको ये सोचना है कि n का वैल्यू क्या रखा जाए कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अभी इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करेंगे। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।